महर्षि दधीचि। जो पुरुष नाशवान शरीर के द्वारा समर्थ होकर भी प्राणियों पर दया करके धर्म या यश प्राप्त करने की इच्छा चेष्टा प्रयत्न नहीं करता, वह तो स्थावर वृक्ष पर्वतादि के द्वारा भी सोचनीय है, क्योंकि वृक्ष पर्वतादि अपने शरीर के द्वारा प्राणियों की सेवा करते हैं। देवराज इंद्र ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो कोई अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश देगा उसका मस्तक मैं वज्र से काट डालूंगा। वैद्य होने के कारण अश्विनी कुमारों को देवराज हीन मानते थे। अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीचि से ब्रह्म विद्या का उपदेश करने की प्रार्थना की। एक जिज्ञासु अधिकारी प्रार्थना करे तो उसे किसी भया लोभवश उपदेश न देना धर्म नहीं है। महर्षि ने उपदेश देना स्वीकार कर लिया। अश्विनी कुमारों ने ऋषि का मस्तक काटकर औषध द्वारा सुरक्षित करके अलग रख दिया और उनके सिर पर घोड़े का मस्तक लगा दिया। इसी घोड़े के मस्तक से उन्होंने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। इंद्र ने वज्र से जब ऋषि का वह मस्तक काट दिया, तब अश्विनी कुमारों ने उनका पहला सिर उनके धड़ से लगाकर उन्हें जीवित कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र अथर्वा ऋषि के पुत्र ये दधीचि जी घोड़े का सिर लगने से अश्वशिरा भी कहे जाते हैं। जब त्वष्टा के अग्नि कुंड से उत्पन्न होकर वृत्रासुर ने इंद्र के स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं ने अपने जिन अस्त्रों से उस पर आघात किया, उन अस्त्र शस्त्रों को भी वह असुर निगल गया, तब निरस्त्र देवता बहुत डरे। कोई और उपाय न देखकर देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया और बताया, महर्षि दधीचि की हड्डियां उग्र तपस्या के प्रभाव से दृढ़ तथा तेजस्विनी हो गई है। उन हड्डियों से वज्र बने, तभी इंद्र उस वज्र से वृत को मार सकते हैं। महर्षि दधीचि मेरे आश्रित हैं, अतः उन्हें बलपूर्वक कोई मार नहीं सकता। तुम लोग उनसे जाकर याचना करो, मांगने पर वे तुम्हें अपना शरीर दे देंगे। देवता साबरमती तथा चंद्रभागा के संगम पर दधीचि ऋषि के आश्रम में गए। उन्होंने नाना प्रकार से स्तुति करके ऋषि को संतुष्ट किया और उनसे उनकी हड्डियां मांगी। महर्षि ने कहा कि उनकी इच्छा तीर्थ यात्रा करने की थी। इंद्र ने नैमिषारण्य में सब तीर्थों का आवाहन किया। वहां स्नान करके दधीचि जी आसन लगाकर बैठ गए। जिस इंद्र ने उनका सिर काटना चाहा था, उन्हीं के लिए ऋषि ने अपनी हड्डियां देने में भी संकोच नहीं किया। शरीर से उन्हें तनिक भी आसक्ति नहीं थी। एक न एक दिन तो शरीर छूटेगा ही। यह नश्वर देह किसी के भी उपयोग में आ जाए, इससे बड़ा और कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता। महर्षि ने अपना चित्त भगवान में लगा दिया। मन तथा प्राणों को हृदय में लीन करके वे शरीर से ऊपर उठ गए। जंगली गायों ने अपनी खुरदुरी जीभों से महर्षि के शरीर को चाट चाट कर चमड़ा मांस आदि अलग कर दिया। इंद्र ने ऋषि की हड्डी ले ली। उसी हड्डी से विश्वकर्मा जी ने वज्र बनाया और उस वज्र से इंद्र ने वृत्र को मारा। इस प्रकार एक तपस्वी के अनुपम त्याग से इंद्र की देव लोकों की वृत्र से रक्षा हुई। जैसा कि आप लोगों ने सुना, मैं थोड़ा सा साइंटिफिक वे में भी यहाँ पे कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि जो मस्तक काटने की बात हो रही है, जैसे अभी हमारे पास अभी तो हम इस पे रिसर्च ही कर रहे हैं कि अगर हमारा सर को काट दिया जाए तो फिर से जोड़ा जा सकता है या नहीं जोड़ा जा सकता है। अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर 3-4 जगह ऐसा जिक्र किया गया है जहाँ पर अश्विनी कुमार वहाँ पर उपस्थित थे। जैसा कि आपने सुना होगा कि
भोलेनाथ ने गणपति भगवान का सर काटा था तो उनका सर लग गया। फिर राजा दक्ष का भी सर कटा था, उनका भी सर लग गया। और तीसरा आपने यहाँ पे सुना कि दधीची का भी सर कट गया था, और उसका इसमें क्या लिखा गया है। जैसे और अगर आप पुराण को मतलब ये सब डीप आप पढ़ेंगे ना, अगर आप संस्कृत श्लोक पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी पढ़ सकते तो भी गीता प्रेस में बहुत ऐसी पुस्तकें हैं जो संस्कृत श्लोक हैं उसके नीचे अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है। तो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि उनके, जैसे इसमें लिखा गया है ना, सर को औषधि से सुरक्षित रखा गया। तो यहाँ पे एक साइंटिफिक वे में ही बात हो रहा है, हवा में बात नहीं हो रही है। जैसा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सब कहानियां हैं, फेक है, तो एक बात तो ये हो गया। दूसरा बात, यहाँ पे जो बात हो रहा है उनकी हड्डियों की, जैसा कि मैंने शास्त्रों में पढ़ा, ऐसा कहा जाता है कि यूनिवर्स में सबसे जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, मतलब समझाने वाली भाषा में कह रहा हूँ, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप समझ सकते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, मैं एलिमेंट ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि वो एक अलग ही चीज़ है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट उनका हड्डी है। मतलब उससे स्ट्रॉन्ग चीज तो उस दुनिया में कुछ है ही नहीं। दूसरी बात, और इसके पीछे भी एक कथा है, मैं आपको सुना देता हूँ कि ऐसा हुआ था कि माता सती, मैं आप लोगों से थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं इस कहानी को भूल भी रहा हूँ, इस कथा को भूल रहा हूँ, तो जितना मुझे याद है मैं आपको बता देता हूँ कि माता सती को एक राक्षस परेशान कर रहा था। उस समय भोलेनाथ शायद वन में गए थे या शायद ध्यान साधना में कहीं गए थे। तो फिर क्या हुआ कि माता भागते भागते दधीची मुनि के आश्रम में आ गई और बोलने लगी कि मुझे बचाइए। तो महर्षि दधीची उठे और उसके बाद वो राक्षस से लड़ने लगे। तो ऋषि मुनि थे, उतना शारीरिक बल नहीं था, राक्षस इनको बहुत मारा, उठा पटक बहुत मारा और मार के हाथ पैर सब तोड़ दिया। फिर उतना देर में ही भोलेनाथ आ जाते हैं और फिर उस दानव को मार देते हैं। तो महर्षि दधीची रोने लगते हैं और बोलते हैं ना कि हे भोलेनाथ, मैं अभी इतना भी सक्षम नहीं हूँ कि मैं उठ के आपको दंडवत प्रणाम कर पाऊँ, क्योंकि मेरे हाथ पैर टूट चुके हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं कि तुमने मतलब मेरी पत्नी के लिए तुमने बहुत बड़ा योगदान दिया, तुमने अपने शरीर के बारे में नहीं सोचा, वो इतना ताकतवर था और तुम उससे लड़ गए, तो जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा जो हड्डी है वो इस ब्रह्मांड में सबसे मजबूत हो जाएगा। तो ये भोलेनाथ का आशीर्वाद था और उन्होंने तपस्या भी बहुत की थी। तो ये कहानी है इसके पीछे। फिर हम आते हैं लास्ट में, जहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जंगली गायों को बुलाया जाता है उनकी स्किन को चाटने के लिए। देखिए यहाँ पे कहा गया था कि वो जो हड्डी चाहिए उन्हें मार के नहीं चाहिए था, ठीक है, मतलब जीवित चाहिए था हड्डी। और देखिए यहाँ भी बहुत साइंटिफिक वे में ही बात हो रहा है, आप थोड़ा सा डीप जाओगे इसमें, स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ भी साइंटिफिक वे में ही बात हो रहा है, जीवित हड्डी चाहिए था, मरा हुआ हड्डी नहीं चाहिए था। और जब आप कभी आप देखे होंगे किसी गाय को जब आप रोटी खिलाते हैं, हम सभी को खिलाना चाहिए, प्रतिदिन खिलाना चाहिए, और जो शारीरिक रूप से बहुत परेशान है ना, उनको अपने हाथ में गुड़ रख के गौ माता को खिलाना चाहिए, तो वो जल्दी आपको मतलब आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो कभी आप देखिएगा, आप गौ माता को कभी रोटी खिलाइएगा तो देखिएगा उनका जो टंग होता है ना, जीभ होता है, तो बहुत खुरखुरा होता है, बहुत मतलब उस खुरदुरा होता है, तो आपके हाथ में कुछ कुछ मतलब अजीब सा लगने लगेगा। तो वही नमक उनके पूरे बॉडी पे लगाया गया था कि वो नमक को चाटे और नमक को चाटने के क्रम में उनका पूरा स्किन वो निकल जाए। तो जो भी हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, बस हम साइंटिफिक वे में थोड़ा समझ नहीं पाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी बोल देते हैं। मैं तो कहूँगा अभी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी हैं जो जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं, मतलब कह देते हैं भगवान ही नहीं है। अब मैं क्या इस पर टिप्पणी करूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबों से, मैं ये सब चीज़ें नहीं बोलना चाहता था, उन सब्सक्राइबर के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन कुछ कहते हैं कथाएं हैं। लेकिन हाँ, भविष्य ही बताएगा, हम आप जैसे ही लोग होंगे जो इस पर और डीप रिसर्च करेंगे, और मैं भी अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, और उसको दुनिया के सामने लेके आएंगे। तो इस कथा में इतना ही, और भक्त चरितांग से मैंने इसे लिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप वहाँ से पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आप सक्षम हो तो आप मुझे थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। और वो यूट्यूब का जो ज्वाइन बटन है ना, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे
तो वहाँ से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब 29 रुपीज़ वो आपके अकाउंट से कट जाएगा हर मंथ और वो मुझे प्राप्त तो हो जाएगा। इसमें यूट्यूब भी कुछ कंट्रीब्यूट, मतलब कुछ वो लेता है अपना टैक्स वगैरह काट के, तो मुझे वही 21-22 रुपीज़ पर मंथ मिल जाएगा। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो देखते हैं, लोगों से शेयर करते हैं, ये सब बातें सभी से शेयर करते हैं, यही सबसे बड़ा सहयोग है। तो आप सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ।